चलो क्वेश्चन थ्री से स्टार्ट करेंगे। कंसिडर अ सैंपल ऑफ, स्क्रीन शेयरिंग की है मैंने। हाँ, कंसिडर अ सैंपल ऑफ 10,000 कार इंश्योरेंस पॉलिसी सोल्ड टू ड्राइवर्स हु हैव हैड अ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर नो मोर देन 5 years। द डेटा आर गिवन इन द फाइल कार इंश्योरेंस डॉट आर डेटा, तो इसमें दिया हुआ है, वी कैन अनजिप करना होता एक्चुअली, तो इसको पहले अनजिप कर लो। ठीक है, फाइल पाथ कैसे कॉपी करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट सी से वो एक बार में फाइल पाथ कॉपी हो जाएगा। दीज आर द डिफरेंट डेटा फील्ड्स व्हिच इज गिवन, एज व्हिच इज अ फैक्टर टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम 0 फॉर यंग एंड 1 फॉर ओल्ड। दिस रेफर्स टू द एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर, मतलब 0 यंग है एंड 1 0 यंग है एंड 1 ओल्ड है। LY which is the number of years policy holder has had a driving license before the start of the current year. NCD is the number of years the policy holder had no claims discount before the start of the current year. Then claims is the number of claims the policy holder submitted during the current year. So क्लेम्स इज द नंबर ऑफ क्लेम्स जो उसने अभी सबमिट किया है। एनसीडी इज द नंबर ऑफ इयर्स जहां पे द पॉलिसी होल्डर हैज हैड नो क्लेम्स डिस्काउंट, मतलब जहां उसने कभी भी क्लेम्स डिस्काउंट उसको नहीं मिला है, मतलब उसने क्लेम किया होगा हर साल तभी उसको क्लेम डिस्काउंट नहीं मिला है। ठीक है, सो इट हैज बीन सजेस्टेड दैट ड्राइवर्स बिलोंगिंग टू द ओल्ड एज कैटेगरी हैव मोर इयर्स ऑफ नो क्लेम्स डिस्काउंट देन। अच्छा, नो क्लेम डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? एक साल अगर आप कोई क्लेम नहीं करते हो तो आपको इंश्योरेंस कंपनी एक डिस्काउंट देता है ऑन द प्रीमियम चार्ज। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एवरी ईयर आपका प्रीमियम चार्ज हो रहा है 100 रुपीज एंड अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर ईयर में क्लेम नहीं किया तो इंश्योरेंस कंपनी टू यू नो गिव आपको उस चीज को, उस चीज का आपको बेनिफिट देने के लिए कंपनी क्या करता है, उस पे आपको कुछ डिस्काउंट देता है। लेट्स सपोज प्रीमियम पे 10% का डिस्काउंट, तो नेक्स्ट ईयर आपको 90 रुपीज पे करना पड़ेगा रादर देन 100। दैट इज योर नो क्लेम डिस्काउंट। सो ऑब्वियसली अ पर्सन हु इज ऑफ ओल्डर एज, उसका चांसेस ऑफ हैविंग अ क्लेम इन एनी 1 ईयर इज लेस। यूजुअली हम यही बोलते हैं, ओल्डर ड्राइवर्स आर सेफर देन द यंगर ड्राइवर्स, तो उनका नंबर ऑफ इयर्स ऑफ हैविंग नो क्लेम इज मोर, तो वही चीज लिखा हुआ है। अंडरस्टूड? प्लॉट टू हिस्टोग्राम्स फॉर द नंबर ऑफ इयर्स विथ नो क्लेम्स, वन फॉर यंग एंड वन फॉर ओल्ड। तो पहले तो डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं। लेट मी ओपन माई आर स्टूडियो। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 एंड 2 क्या था हमने, तो दिस इज योर आंसर 3। तो पहले इंपोर्ट करेंगे लोड फंक्शन यूज करके, मैंने फाइल पाथ कॉपी कर लिया था, देख लो। एंड दीज आर द, एक बार ना मैं इसको हटा देती हूँ, फिर से आई इंपोर्ट। देखो एज है, क्लेम्स है, LY एंड NCD, तो हमें NCD प्लॉट करने बोला है एंड दिस वी हैव टू डू सेपरेटली फॉर ओल्ड एज एंड फॉर यंग एज। तो कैसे करेंगे बताना? बेसिक इंडेक्सेशन अप्लाई करेंगे। पहले तो जितने भी ओल्ड है उनको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, फॉर देम एज इज 1 एंड जिनका यंग है उसका एज 0 है, तो उसको हम लोग को उसका हमें हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। प्लॉट टू हिस्टोग्राम फॉर द नंबर ऑफ इयर्स विथ नो क्लेम डिस्काउंट, वन फॉर यंग एंड वन फॉर ओल्ड। सो आपको एनसीडी प्लॉट करना है, दो एनसीडी प्लॉट करना है, एक ओल्ड एज का एक यंग एज का। सो लेट्स एक्सट्रैक्ट एनसीडी फॉर ओल्ड पीपल। ये कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? एनसीडी इज अ वेक्टर ना, तो एनसीडी ले लो
एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, जहां पे आपका एज इक्वल टू 1 है, करेक्ट, दोनों वेक्टर्स है, एज भी वेक्टर है, एनसीडी भी एक वेक्टर है, क्लियर? देख लो एक बार, वी आर डूइंग अप्रैल 2022 का क्वेश्चन 3। खुशी, ये हो गया हमारा एनसीडी ओल्ड सिमिलरली यंग के लिए। मतलब देखो, एनसीडी ओल्ड इज एक नया वेक्टर बन गया ऑफ 3989 वैल्यूज। इसमें आप डाल दोगे 0, विच इज फॉर यंग। ठीक है, बाकी आपके चले गए यंग में। अब हिस्ट फंक्शन में एनसीडी ओल्ड पहले बना लो, तो ये आपका हिस्टोग्राम हो गया एनसीडी ओल्ड। एनसीडी होल्ड प्रोबेबिलिटी, अच्छा क्या बोला है क्वेश्चन में, प्लॉट टू हिस्टोग्राम्स। तो क्या करेंगे, मतलब डू वी टेक द फ्रीक्वेंसी या क्या लेंगे? कुछ बोला नहीं है ना, डेंसिटी है कि फ्रीक्वेंसी है, सो वी कैन, तुमको कुछ नहीं आधार है, आ जाएगा क्लास के एंड तक। आई टीच वेरी नाइसली, ऐसे लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रही। ठीक है, सो आई एम नॉट अप्लाइंग ब्रेक्स राइट नाउ, लेट्स चेक फर्स्ट। सो दिस इज योर ओल्ड वाला, आप लोग टाइटल दे दोगे, टाइटल के लिए क्या लिखते हैं, कौन सा आर्गुमेंट, मेन। भाई तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, देखो याद आ जाएगा, मेन, मेन इज द टाइटल के लिए आप मेन लिखते हो, एक्स लैब वाई लैब फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मेन दे देना हिस्टोग्राम ऑफ एनसीडी नो क्लेम डिस्काउंट ईयर्स फॉर ओल्ड एज, वैसे करके लिख देना। सो दिस इज देयर नाउ, कैसा हमें बनाना चाहिए, ब्रेक्स कैसा डालना चाहिए हमें? बोलो, क्योंकि अगर आप देखो ना, ये बहुत डिस्पर्स्ड है, ये हिस्टोग्राम के जैसा नहीं बन रहा है, ये 0 का ग्राफ है, ये 1, क्योंकि नंबर ऑफ इयर्स, एक बार सुन लो, नंबर ऑफ इयर्स कैन ओनली बी इन टर्म्स ऑफ फुल इंटीजर, आपका कुछ भी डेसिमल्स में नहीं। अगर आप देखो, नंबर ऑफ इयर्स यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज ले रहा है, सो यहाँ ना ब्रेक्स थोड़ा अलग तरीके से डलेगा। आपको ब्रेक्स में आप क्या डालते हो कि आपको बार्स कितने चाहिए, आप यूजुअली देखो, आप मुस्कान ने जो बोला है, मुस्कान ने जो बोला है वो बनाते हैं, शी इज सेइंग -0.5 से 5.5 आप बना दो। सो ये भी कर सकते हैं, एब्सोल्यूटली करेक्ट मुस्कान, दिस ऑल्सो यू कैन डू, इससे और एक्यूरेट प्लॉट आएगा हमारा एक्चुअली। तो ये हमारा 0, तो हो क्या रहे, एज द फॉर द हायर नंबर ऑफ योर्स विच इज 4-5, योर फ्रीक्वेंसी इज मोर। हाँ यतिश बोलो, सेम वी लूप फॉर मैम प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ट्रू क्यों करा? डेंसिटी फंक्शन निकाल दिया मैंने, क्योंकि कुछ बोला नहीं है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है ना, ये आपका ओल्ड यंग एज का, तो यंग एज का 2 इयर्स 3 इयर्स का प्रोबेबिलिटी हाई है, वेर एज ओल्ड एज का 4-5 का प्रोबेबिलिटी हाई है, एंड दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द सजेशन दैट ड्राइवर्स बिलोंगिंग टू द ओल्ड एज कैटेगरी हैव मोर इयर्स ऑफ नो क्लेम डिस्काउंट देन यंग एज कैटेगरी पीपल यूजिंग द हिस्टोग्राम फ्रॉम पार्ट 1। तो ऑब्वियसली वी कैन सी द डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स द राइट साइड, इट्स लाइक नेगेटिवली स्क्यूड। आप लोग बोलोगे नहीं नेगेटिवली स्क्यूड, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑन अ इसका क्या मतलब है, इट्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द राइट साइड का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ हायर नंबर ऑफ ईयर्स एज अ नो क्लेम डिस्काउंट ईयर्स। नो क्लेम डिस्काउंट आपको समझ आ रहा है, बिकॉज दिस इज CS2 का थिंग, कितने साल आपने क्लेम नहीं किया, क्लेम नहीं करने पे आपको डिस्काउंट मिलता है। और उल्टा क्या होता है, अगर हम क्लेम करते हैं तो प्रीमियम इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कार लिया, आई परचेज माई ओन कार इन नवम्बर, सो आई टुक अ कार इंश्योरेंस इन द मंथ ऑफ नवम्बर। अभी ऑब्वियसली चलाओगे तो, फर्स्ट टाइम चलाओगे तो ठुकेगा, तो मेरा 2-3 जगह से
लग गया स्क्रैचेस एंड ऑल, बट मुझे दो तीन लोगों ने बोला अभी क्लेम मत करो क्योंकि आप फर्स्ट ईयर है एंड नेक्स्ट ईयर से क्लेम बहुत ज्यादा प्रीमियम दे विल इंक्रीज. दिस इज अगेन अ वेरी कॉमन माइंडसेट जो हम देखते हैं, इंडियन माइंडसेट होता है कि मत करो क्लेम. तो ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं क्लेम कर दूंगी तो नेक्स्ट टाइम मेरा प्रीमियम इंक्रीज होगा बिकॉज नाउ आई विल बी क्लासिफाइड एज थोड़ा रिस्की ड्राइवर, है ना. बट सिमिलरली अगर मैं क्लेम नहीं करूंगी तो इससे क्या होगा कि आई एम अ सेफर ड्राइवर एंड ओल्डर आई गेट मोर नो क्लेम डिस्काउंट ईयर्स आई विल बी हैविंग. वही चीज इधर प्रूव हो रहा है. एंड सिमिलरली व्हेन यू हैव अ फॉर अ यंगर ड्राइवर, तो यंगर ड्राइवर के लिए यू कैन सी इट्स मोर स्क्यूड एंड यू विल सी दैट मोर नंबर ऑफ ईयर्स आपके 2-3 के अराउंड है रादर देन 4-5. ठीक है, क्लियर, सॉर्टेड. नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द प्रपोर्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स. हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था शायद, बोलो. पार्ट थ्री का ए ऐसे प्रॉपर लिखना, खाली पार्ट थ्री मत लिख देना, थ्री का ए थ्री का बी अलग अलग लिखना है. पॉलिसी होल्डर्स विथ मोर देन 2 ईयर्स ऑफ एनसीडी अमंग यंग पॉपुलेशन, कैसे निकालेंगे इसका प्रपोर्शन. बेसिकली एनसीडी यंग कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं विच इज ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन टू है, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 3, 4, 5 सबको एड करना है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर यंग. ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे बताओ. लेंथ फंक्शन, लेंथ फंक्शन तो अब बोल दिया बट कैसे करेंगे. लेंथ ऑफ एनसीडी यंग वेयर एनसीडी यंग इज ग्रेटर देन 2. डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एनसीडी यंग टू गेट द टोटल. करेक्ट, टू गेट द टोटल पॉलिसी होल्डर्स, आपको नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स निकालने हैं विद मोर देन 2 ईयर्स ऑफ एनसीडी. तो लेंथ ऑफ, आप लोग बोल रहे हो लेंथ ऑफ एनसीडी यंग करेंगे क्योंकि यंग में ही है हमारा. एनसीडी यंग ग्रेटर देन 2, ऐसे ये हमारा इंडेक्सेशन हो जाएगा पूरा. डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ, हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं, ये करना है क्या. तो ये आपका पूरा क्या हो गया, इंडेक्सेशन. एनसीडी यंग इज अ वेक्टर, इसमें कितने वैल्यूज ग्रेटर देन 2 हैं, आप उसको पूरे को काउंट करोगे डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू, योर आंसर इज दिस. तो आप लोग को क्लियरली लिख देना द प्रपोर्शन, आप लोग आंसर में लिखोगे द प्रपोर्शन ऑफ यंग people with NCD years of greater than 2 is 57.36%. ठीक है, next third answer, next answer. Policy holders with more than 2 years among older people. So I can just copy this and I will change it to old. Right. देख लो 97 आ रहा है विच इज वेरी हाई कंपेयर्ड टू यंग, दैट अगेन प्रूव्स आवर पॉइंट, ओल्डर ड्राइवर्स आर सेफर ड्राइवर्स. टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द प्रपोर्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स विथ मोर देन 2 ईयर्स ऑफ एनसीडी is equal in both the groups young and old. तो हम लोग को क्या चेक करना है, बेसिकली नंबर ऑफ प्रपोर्शन चेक करना है. यहाँ पे हम लोग प्रपोर्शन देख रहे हैं P1, P2. P1 is a proportion of young population with 2 years and greater than 2 years and old P2. तो कौन सा टेस्ट यूज करोगे. Prop dot test. वेरी गुड खुशी, प्रॉप डॉट टेस्ट करेंगे क्योंकि प्रपोर्शन टेस्ट कर रहे हो आप इधर. ठीक है, तो आ जाओ जिनको याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं प्रॉप डॉट टेस्ट का क्या होता था, सो आई जस्ट कम एंड चेक ओवर हियर. तो यहाँ क्या बोला है, एक्स, पहला एक्स इज द नंबर ऑफ काउंट ऑफ सक्सेसेस, वेक्टर ऑफ काउंट ऑफ सक्सेसेस, या फिर ना
वेक्टर ऑफ सक्सेसेस निकालना पड़ेगा हमें, नहीं तो हम ये कर सकते हैं टू डायमेंशनल मैट्रिक्स विद टू कॉलम्स गिविंग द काउंट ऑफ सक्सेसेस एंड फेलियर्स रिस्पेक्टिवली. फिर एक एन है नंबर ऑफ ट्रायल्स, हमें एक्स एन अलग अलग निकालना पड़ेगा. देखो नहीं तो फिर वी कैन हैव दिस पी ऑल्सो विच इज अ वेक्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस. सो लेट्स यूज दिस इंस्टेड, ये बेटर ऑप्शन है क्योंकि हमें दोनों का प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है, आप वो निकाल सकते हो, बेटर रहेगा. नहीं तो फिर अगर आपको एक्स एन निकालना है तो आप एक्स एन भी अलग अलग निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे एक्स एन अलग अलग? बेसिकली हमें निकालना है हाउ मेनी पीपल इन द नंबर ऑफ सक्सेस, टोटल नंबर ऑफ आपका इयर्स और टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स विथ ग्रेटर देन 2 इयर्स, बोथ ओल्ड एंड यंग का, मतलब ये वाला पार्ट. देखो ये पार्ट आपको अलग से लेना है. सो लेट्स कॉपी दिस एंड एनसीडी ग्रेटर देन, ऐसे मैं G2 लिख दे रही हूँ ग्रेटर देन 2 के लिए. तो इसका एक वेक्टर बना लो फॉर यंग पीपल. दिस इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस ना, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द सेंस की कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनका योर्स इज ग्रेटर देन 2. इसको रन करो, एक बार मैं दिखा देती हूँ. बेसिकली इन केस ऑफ यंग पीपल इतने हैं एंड ओल्ड पीपल इतने हैं, देन आपको यंग ओल्ड निकालना है. तो मैं से नंबर लिख दे रही हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो. नंबर ऑफ यंग एंड ओल्ड पीपल, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज बेसिकली लेंथ ऑफ योर दिस एंड लेंथ ऑफ दिस. ठीक है, देख लो कितना आ रहा है. दिस इज योर नंबर ऑफ यंग पीपल, नंबर ऑफ ओल्ड पीपल. अब इस पे हम लोग प्रॉप डॉट टेस्ट करेंगे. प्रॉप डॉट टेस्ट एनसीडी G2 एंड नंबर ऑफ यंग एंड ओल्ड. ठीक है ना? और एक और चीज दिया हुआ है, देख लो इधर. डू यू टेक कंटिन्यूटी करेक्शन, येस और नो? डू यू टेक, आपने क्या वैसा कुछ किया है इधर कि आप डिस्क्रीट को कंटिन्यूस में जा रहे हो या कंटिन्यूस को डिस्क्रीट में? वैसा कुछ नहीं किया है आपने, तो कंटिन्यूटी करेक्शन आप फॉल्स करोगे. इवन इफ यू लीव इट एज ट्रू, माइट दे माइट डिडक्ट ओनली 1 मार्क. सो ठीक है, मतलब उस पर ज्यादा सोचना नहीं है हमें. 1-2 मार्क का जहां बात होता है ना, वहां हम लोग अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं. तो फॉल्स कर देना है एंड यू रन दिस. सो दिस इज द एंड इट्स अ 2-साइडेड टेस्ट बिकॉज इक्वल प्रूफ करने बोला है. पी वैल्यू, सो दिस इज द पी वैल्यू विच इज लेस देन 0, विच मीन्स यू हैव इनसफिशियंट एविडेंस, यू हैव सफिशियंट एविडेंस टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड वी कैन से दैट द टू प्रपोर्शंस आर नॉट इक्वल. क्लियर? देख लो इसे. वहां तुमने टेस्ट कुछ नहीं किया ना, हाइपोथेसिस तुमने खाली नंबर्स निकाले. यू नीड टू डू अ हाइपोथेसिस टेस्ट ना. तुम इट्स लाइक μ1 μ2 आ गया तुम्हारा, तुमको प्रूफ करना दिस इज नॉट इक्वल, तो तुम एक टेस्ट के थ्रू ही तो प्रूफ करेगा, और कैसे? हाइपोथेसिस टेस्ट. ठीक है, तो इस केस में कितने मार्क्स का था ये क्वेश्चन? 6 मार्क्स का. आप लोग को प्रॉपरली लिखना है नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है, आंसर क्या है, पी वैल्यू को फिर एक्सप्लेन करना है, देन यू गेट योर फुल मार्क्स. नल हाइपोथेसिस लिखने का आपको 1 मार्क मिलता है. ठीक है, करो इसे. क्योंकि कुछ बोला नहीं ना कंटिन्यूटी करेक्शन के लिए, और यहाँ पे हमने किया भी नहीं है कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी करेक्शन जब हम लोग प्लस माइनस 0.5 नहीं करते थे प्रोपोर्शनल टेस्ट में, P1 माइनस P2 प्लस माइनस 0.5 करते थे, दैट्स योर कंटिन्यूटी करेक्शन. वो हम नहीं कर रहे यहाँ पे, इसीलिए.
सो इवन इफ यू लीव इट ट्रू, 1 मार्क दे विल डिडक्ट, उससे ज्यादा नहीं करेंगे डिडक्ट. 0.5 to 1 मार्क दे माई डिडक्ट, क्योंकि ज्यादा इसमें चेंज होगा नहीं आंसर. An analyst assumes that the number of claims per year has a poison process. The analyst wishes to fit a GLM to the observed number of claims, jo ki claims vector mein hai, using age, LY, NCD as explanatory variables. Fit a GLM to the claim count with age, LY, and NCD as the main effect. Explanatory variables. ठीक है, कर लो, बहुत ही सिंपल है. GLM फंक्शन लिखना है. इसको डाल देंगे मॉडल 1 में. क्लेम्स टिल्ट एज प्लस एल वाई प्लस एन सी डी एंड फैमिली बाय डिफॉल्ट गॉर्जियन है, हमें क्या लेना है, फैमिली पॉइजन. ठीक है, फैमिली पॉइजन लिंक लॉग है, मैं कुछ नहीं ले रही लिंक का एक बार, क्योंकि लिंक यूजली लॉग ही है, आप लिख भी सकते हो, डजंट मैटर. लेट्स रन मॉडल 1 एंड समरी ऑफ मॉडल 1 करते हैं, इनफैक्ट और बेटर समझ आएगा. सो देखो, समरी ऑफ मॉडल 1 में क्या मिल रहा है हमें, वी आर गेटिंग ऑल द एस्टिमेट्स. नेक्स्ट पार्ट इज टू नहीं, कुछ बोला नहीं है. ठीक है, सो दीज आर द एस्टिमेट्स. दिस इज इंटरसेप्ट, दिस इज योर बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3. दीज आर स्टैंडर्ड एरर्स, पी वैल्यू. अकॉर्डिंग टू द पी वैल्यू वी विल जस्ट से दैट द एज इज इनसिग्निफिकेंट, मतलब age is not able to explain, there is no relation between, you can say a significant relationship between age and the number of claims. ठीक है, कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने खाली मॉडल बनाने बोला है. तो आप ये रन करोगे, समरी रन करोगे, इसका आउटपुट डाल दोगे, दैट्स इट. यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन कि क्या हर एक चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो ये नेक्स्ट देखो, टू सिंप्लीफाई द इंटीग्रेशन ऑफ द मॉडल इन टू बिजनेस प्रोसेसेस एंड इंश्योरर विशेस टू यूज ओनली मॉडल्स विथ अटमोस्ट टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, डिटरमाइन विच टू वेरिएबल्स शुड बी यूज्ड. तो यहां हम लोग क्लियरली क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो दिख रहा है एंड बट दिस इज ऑफ 8 मार्क्स, तो यू नीड टू जस्टिफाई दिस 8 मार्क्स. ठीक है ना, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 3 मार्क्स का जो हमने किया, कि एज इज द इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल, उसको हटा देना है. बट क्योंकि इन्होंने 8 मार्क्स दिए है, सो यू नीड टू जस्टिफाई दैट. तो आप कौन सा एक मेजर चेक करते हो, विच इज द इजीएस्ट, जो हम यूजुअली करते हैं, AIC चेक करते हैं हम. तो हम क्विकली AIC चेक करेंगे फॉर 3 पॉसिबल मॉडल्स. कैसे 3, क्योंकि इनको ही, इनको 2 वेरिएबल्स ही लेना है. तो एक LY प्लस एज प्लस LY हो जाएगा, LY प्लस NCD हो जाएगा, और एक एज प्लस NCD हो जाएगा. ऐसे करके 3 मॉडल्स बन जाएंगे, और तीनों का हम क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, देखो कैसे करेंगे, दिस डॉलर AIC. ठीक है ना, तो आपका ऐसे देखो AIC आ जाता है. ओ सॉरी, ये आपका तीनों का है, चलो आ गया तीनों का, तो कोई दिक्कत नहीं, बट हमें दो दो का ही करना है. सो आई विल रिमूव NCD इधर से, देन आई विल रिमूव LY इधर से, एंड आई विल रिमूव एज इधर से. तीनों निकाल लिया मैंने, सबसे लोएस्ट आ रहा है हमारा इसमें LY प्लस NCD, दैट इज हाउ इट ऑल्सो प्रूव जो आपने वहां किया है. So LY plus NCD is what we'll consider. Comment on the comparison between 5 and 6. This is what you comment. Ki humne dekha that the AIC of model LY plus NCD gives you the lowest AIC.
एंड इन केस ऑफ एज यू कंपेयर विद द ऑल थ्री मॉडल्स में भी आपका देखो 2314 है और यहाँ पे 2302 है विच इज लोअर. तो आप यहाँ पे सेम चीज लिखोगे कि तीन मॉडल तीन पैरामीटर से आपका ज्यादा आ रहा है एज यू कंपेयर इट विद टू. एंड ऑल्सो वी सॉ दैट द एज इज इनसिग्निफिकेंट बिकॉज द पी वैल्यू वॉज ग्रेटर देन 5%. सो वी विल प्रेफर एल वाई प्लस एनसीडी इन आर मॉडल इफ यू वॉन्ट ओनली टू वेरिएबल्स. ठीक है, इसको कंप्लीट करूं, देन वील मूव टू द फोर्थ वन. तीनों से कंपेयर भी कर देना. सो इस पार्ट में यू कैन ऑल्सो डू द सी कमेंट ऑन द कंपेरिजन ऑफ द फिट. तो आपको दोनों का एआईसी से कंपेयर करना है कि एल वाई प्लस एनसीडी गिव्स यू अ लोअर एआईसी एज यू कंपेयर इट विद द ऑल थ्री पैरामीटर्स. मैम जब भी कंपैरिजन के लिए आएगा तो हम लोग एआईसी ही यूज करेंगे. यूजुअली अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है, ओके हमने एक क्लास में लॉग लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट भी किया था तो वो भी कर सकते हैं, बट अगर गिवन होगा तो ही करेंगे, उतना मेहनत हम लोग करेंगे नहीं अदरवाइज. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. एन एक्चुअरी प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग समरी ऑफ क्लेम अमाउंट्स एंड नंबर ऑफ पॉलिसीज सोल्ड फॉर फोर ऑफ हर इंश्योरेंस क्लाइंट्स इन द पास्ट 5 ईयर्स. क्लेम अमाउंट्स एंड नंबर ऑफ पॉलिसीज दिया हुआ है फॉर द 5 ईयर्स. देख लो, इंश्योर देर आर फोर इंश्योरर्स, हर एक का हमें क्लेम दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ पॉलिसीज दिया हुआ है. द पॉलिसीज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड इन द नेक्स्ट ईयर दिया हुआ है. द डेटा फॉर द ईयर्स 1 to 5 आर गिवन इन द क्लेम्स आर डेटा फोल्डर. तो यहां से मैं ले लूंगी क्लेम्स वाला. कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी हो जाता है. विच कंटेन्स द क्लेम्स डेटा मेट्रिक्स एंड द पॉलिसी डेटा मेट्रिक्स. तो इसको पहले ना इंपोर्ट कर ही लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. सो आई जस्ट रिमूव दिस टू मेक इट नीट. यहाँ अपने जाएंगे आंसर 4 लोड. ठीक है ना. ये लोड कर लिया हमने. अब इसके बाद देख लो, क्लेम्स है मैट्रिक्स. इफ यू वांट यू कैन जस्ट क्विकली सी दिस. ये आपका क्लेम मैट्रिक्स है फॉर द 5 ईयर्स एंड 4 कंपनीज. एंड ये आपका नंबर ऑफ पॉलिसीज का मैट्रिक्स है. ऑब्वियसली वो हमसे ईबीसीटी कराने वाले हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोला है? कैलकुलेट द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एम थीटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा,
expectation and variance of m theta under the assumptions of EBCT model to 10 marks. ठीक है, आप लोग टेबल बुक खोल लो, सब लोग जिन लोग के पास है. वी विल फॉलो द अप्रोच ऑफ द एंटायर थिंग. मैं देखती हूँ मेरे पास भी होना चाहिए. रियल ठीक है, आई डोंट नो, छोड़ो नहीं होगा. आप लोग खोल लो, बिकॉज तुम रखो अपने पास, खोल तुम. कौन सा था, पेज नंबर 26 है, ऐसा कुछ था ना, ईबीसीटी मॉडल 2. खोल लो उसको, बिकॉज इट 30 पेज नंबर 30 पे है. सो सबसे पहले तो स्मॉल एन, कैपिटल एन, वो सब सब निकाल लेते हैं. तो स्मॉल एन हमारे केस में क्या होगा, बोलो जल्दी बोलो, स्मॉल एन क्या होगा, नंबर ऑफ कंपनीज या नंबर ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स होते हैं. ठीक है, तो एन कोल, किसी का भी एन कोल ले लो, क्लेम मैट्रिक्स का या किसी का भी, दोनों सेम है. कैपिटल एन विल बी एन रो, नंबर ऑफ कंपनीज. एल मतलब इंटीजर होता है. ठीक है, फिर एक्स, कैपिटल एक्स निकालते हैं. कैपिटल एक्स कैसे निकालेंगे, क्लेम मैट्रिक्स में हम लोग को क्या गिवन है, डिवाइड करके निकालना होगा. डिवाइडिंग योर क्लेम्स मैट्रिक्स बाय बेसिकली क्लेम पर पॉलिसी, क्लेम अमाउंट पर पॉलिसी, ऐसा निकालते हो ना, तो डिवाइड बाय पॉलिसी मैट्रिक्स. सो इफ यू जस्ट रन एक्स एंड चेक, ये आपका आ गया. ठीक है, आफ्टर दिस एक्स को रन करके देख ही लो, तो ये आ गया. इसके बाद क्या चाहिए होता है हमें, देखो नेक्स्ट इज क्या चाहिए, एक्स आई बार, एक्स बार एंड एक्स आई बार. तो एक्स आई बार कैसे निकालेंगे बताना, अरे बोलो जल्दी, इट्स अ फ्री गिफ्ट दिस क्वेश्चन. रो सम करके, किसका रो सम्स, क्लेम मैट्रिक्स का रो सम्स करके बाय पीआई. वेरी गुड, क्लेम सम्स का रो में, रो सम्स हर एक का रो का सम. बेसिकली एक्स आई बार इज व्हाट, इसका मीन, इसका मीन वैसा है ना, तो दिस डिवाइडेड बाय रो सम ऑफ पॉलिसी मैट्रिक्स. ठीक है, चार वैल्यूज आएंगे बेसिकली एक्स आई बार के, हर एक कंपनी का मीन आप निकाल रहे हो, इट्स लाइक दैट, हर एक कंपनी का आप मीन निकाल रहे हो. देख लो, आंसर्स मैच करो यहां तक क्विकली. नेक्स्ट क्या निकालते हैं, पी आई, पी आई इज वॉट, हर एक रो का सम ऑफ पॉलिसी मैट्रिक्स, तो रो सम्स ऑफ पॉलिसी मैट्रिक्स फिर पी निकालेंगे, पी कैपिटल पी, कैपिटल पी इज वॉट, सम ऑफ पी आई. एकदम कुछ नहीं है, बस जो भी टेबल बुक में किया है उसको हमें फॉलो करते जाना है. जस्ट मेक श्योर यू आर कीप ऑन पेस्टिंग द आंसर्स, तो वो तो आप करते ही रहोगे. चलो नेक्स्ट, पी के बाद क्या निकालते हैं, नहीं आ रहे आंसर, मैच नहीं हो रहे. पी स्टार, पी स्टार का फॉर्मूला बताओ देख के. समीशन ऑफ
पी आई इंटू वन माइनस पी आई बाय पी ऐसे। बाहर वो भी मल्टीप्लाई है, वन बाय कैपिटल इनटू स्मॉल एन माइनस वन. इसका सम करेंगे पहले तो, एंड देन बाहर पूरे में मल्टीप्लाई करना है, कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन माइनस वन, ये होगा। यस मैम. ठीक है, देख लो, वेरी गुड। सोचना ही नहीं है कुछ आगे पीछे, बस करते जाना है जैसा है। अब बताओ एम कैसे निकालेंगे। एम इज वॉट? एम इज नथिंग बट द मीन ऑफ द एंटायर थिंग। मीन क्या है? आपका सम ऑफ पूरा क्लेम्स मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ पूरा पॉलिसी मैट्रिक्स, विच इज पी। तो सम ऑफ क्लेम मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय पी, यू गेट योर एम। वाई एम आई रनिंग ऑल दी? सो दैट वेन आई पेस्ट आई गेट द आंसर्स ऑल्सो। वरना आप खाली पी करके छोड़ दोगे तो पी का आंसर नहीं आएगा, एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा कि आंसर सही है कि नहीं। सो इसीलिए मैं पी पी स्टार हर बार रन कर रही हूँ, पी आई एक्स आई बार से मैं रन करके दिखाऊंगी एग्जामिनर को कि भाई आप आउटपुट चेक कर लो, आप एक एक पार्ट का मुझे मार्क्स मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है ना, एम हो गया। एस कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ जो हमारा पॉलिसी में जो हमारा पॉलिसी मैट्रिक्स है मल्टीप्लाइड बाय एक्स जो पूरे का था माइनस एक्स आई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। हाँ बोलो जल्दी। फिर ये इंडिविजुअली आएगा, उसका सबका आपको मीन ले लेना है, विच इज आपको डिवाइडेड बाय एन कर देना है। ठीक है, तो देखो रो सम्स पॉलिसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय यू हैव एक्स माइनस एक्स आई बार इंडिविजुअली हर एक रो का, एंड दिस यू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। अब इस पूरे को आप इस पूरे का सम लोगे एंड यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, और यू कैन जस्ट टेक अ मीन ऑफ द एंटायर थिंग। बोलो समझ आ रहे कि नहीं? वी हैव डन दिस इन क्लास एज वेल, प्लीज वेरीफाई योर आंसर। सो बेसिकली योर एक्सपेक्टेशन ऑफ एम थीटा, अब आप लिख सकते हो यहाँ पे, आप लोग लिख देना आंसर में, हेंस एक्सपेक्टेशन ऑफ एम थीटा इज इक्वल टू एम, विच इज इक्वल टू जो भी आपका आंसर आ रहा है। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वेर थीटा इज दिस, एस जो हमने एस में निकाले है, तो ये ऐसे लिख देना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वेर थीटा इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू द आंसर। अब ये कैसे निकालेंगे वेरियंस वाला पार्ट? बोलो वेरियंस वाला पार्ट कैसे निकालोगे?
बोलो। वेरी गुड, मुस्कान ने एकदम करेक्ट आंसर लिखा है। 1/2, नहीं बट एक चीज गलत हो गया इसमें। तुम जब हाँ ठीक है, 1/P था सम ऑफ पॉलिसीज, बट ये पॉलिसीज करोगे तो इसका रो सम करना होगा ना तुमको मुस्कान। इसका आंसर नहीं आएगा बिकॉज इसका रो सम्स करना होगा पहले, फिर उसका सम करते हैं। तो बेसिकली बट इसमें हाँ तो लाइक बोलो। हम एक ही एम वैल्यू से माइनस कर रहे हैं, तो फिर रोज का इसमें कोई ऐसे डिफरेंस तो आएगा नहीं। नहीं एंड फिर क्यों इसको नहीं, कलेक्टिवली डिवाइड कर, सबको कलेक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं n(n-1) से। पॉलिसी मैट्रिक्स इनटू आप कर रहे हो x-m का होल स्क्वायर, ये कर सॉरी का होल स्क्वायर ये कर रहे हो ना। दिस इंटायर थिंग यू आर टेकिंग एंड यू आर डिवाइडिंग बाय आपका क्या बोलते हैं एन इंटू एन माइनस वन, ये पूरा चीज माइनस एस। तो ये जो पार्ट है इसका तो सम्स करना होगा ना, रो सम्स, क्योंकि पॉलिसी मैट्रिक्स है तो हर एक वैल्यू से हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर उसका हम लोग रो का सम लेंगे ना, रो वाइज जाएंगे, और फिर वो जो रो का सम आएगा उसको हम लोग उसका सम लेंगे एंड फिर उसको डिवाइड करेंगे। अब तुम जो कर रहे हो उससे लेट्स सी, आई थिंक आंसर विल मैच, नॉट श्योर। हाँ आई गेस आंसर तो मैच, समेशन एक्स है फिर समेशन बाहर भी है, ठीक है मैच हो जाएगा आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये पूरा चीज को हम लोग अगेन डिवाइड कर देंगे हमारे पी स्टार से, सो लेट्स चेक द आंसर मैम इज वो n(n-1) पे आपने s के साथ माइनस कर दिया, मतलब वो ब्रैकेट गलत लग गया, n(n-1) के साथ ब्रैकेट नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा अभी, सही है। सम्स तो ये भी नहीं आएगा फिर, नहीं यहाँ पे एक और ब्रैकेट होगा एंड यहाँ पे एक और ब्रैकेट होगा, सही है। यस मैम, नहीं क्या गलत हो रहा है इसमें, रो सम्स करके करना होगा, क्योंकि पहले आप रो सम करते हो फिर आप डिवाइड करते हो, समझ रहे हो, वरना पूरा चीज से डिवाइड हो जा रहा है सम से, वो गलत हो जाएगा। इधर पे यू विल हैव टू डू रो सम्स। मुस्कान मेरा क्यों, आंसर क्या आ रहा है? तुम्हारा आंसर सही आ रहा है? नहीं रुको, दिस इज देयर, ये हो गया, हाँ ये वाला ऐसा होगा। इधर पे मुझे एक और ब्रैकेट बनाना है, अब इस पूरे में एक ब्रैकेट आएगा, अब सही है, बिकॉज पहले आप, हाँ अब मैंने वो एक ब्रैकेट मिस्टेक किया था, ये एस माइनस बाहर होगा, सो बेसिकली ये वाला पार्ट हो गया तुम्हारा एक्स आई वाला, फिर तुम इस समेशन आई टू एन वाला, एंड इसको हम लोग फिर इससे इसका रो सम लेते हैं, फिर इससे आप डिवाइड करते हो
एंड उसका सम लेते हो, ठीक है, माइनस एस करके देखो। अब सही है आंसर, नाउ इज इट मैचिंग? मैंने एस को अंदर ले लिया था इसीलिए गलत आंसर आ रहा था, एंड इस पूरे को ब्रैकेट डिवाइडेड बाय पीस था। ठीक है, दिस इज योर वेरियंस ऑफ एम थीटा, हाउ योर एक्सपेक्टेशन बिटवीन डिफरेंट कंपनीज डिफर। नेक्स्ट है टेबल बुक से भी एक बार ट्राई करो, क्योंकि एग्जाम में ना टेबल बुक से अगर रिलेट नहीं कर पाओगे तो बहुत डिफिकल्टी होगा। क्या एरर आ रहा है, एक बार बोलो एरर को क्या है। बहुत सिंपल, उसके आगे दिखा, घुमा, कितना छोटा है हमारा। अनएक्सपेक्टेड सिंबल इन पी स्टार। तुम कुछ बनाया भी है? हाँ बनाया तो है, पी स्टार नहीं सही है। पी स्टार है तो सही, बट ये पी स्टार में कुछ इशू है। कैसे रन होता है? तब इधर पे पी स्टार में क्या इशू है? ब्रैकेट मिस्टेक है ये, ब्रैकेट ये इसका ब्रैकेट है। ये इसका ब्रैकेट है, एक और ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट मिस्टेक था। नेगेटिव, तुम्हारा भी वही मिस्टेक हो रहा है। देखो ये एस जो है ना, ये वाला जो तुम पहले, तुम इसका पूरे का रो सम्स कर रहे है इसका, ठीक है, इसका रो सम करने के बाद यू आर डिवाइडिंग बाय दिस, ये पूरा इसका सम माइनस एस है, ये पूरा एक पार्ट है एंड देन माइनस एस है, तुम उसको साथ में ले लिया एक्चुअली, तुम उसको सम के अंदर ले लिया है। योर ब्रैकेट शुड क्लोज योर, या नाउ इट्स फाइन, नाउ यू विल गेट द आंसर। तुम एस को उसके अंदर, जो तुम मेरा मिस्टेक था वही तुम किया था, सेम मिस्टेक। कुड नॉट फाइंड द फंक्शन पॉलिसीज एंड, अरे दीपाली, पॉलिसीज अंडरस्कोर मैट्रिक्स के बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा ना एक, ठीक है, एंड एक्स माइनस एक्स आई बार है तो वो भी देख लेना। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट करें। देखो ईबीसीटी बीइंग अ वेरी इजी चैप्टर, हम लोग को कितना टाइम लग गया। कैलकुलेट द क्रेडिट, बिकॉज इसके जो पार्ट्स है ना, स्टेप्स है, वो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, सो इट्स इम्पोर्टेंट एटलीस्ट एक बार ये वाला सम प्रैक्टिस कर लो। क्रेडिबिलिटी फैक्टर कैसे निकालेंगे? जेड आई इज पी आई डिवाइडेड बाय पी आई प्लस एस बाय वी, देख लो जेड आई चार, एंड देन फाइनली कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड क्लेम अमाउंट
For each of the four insurers in year six, so in the sixth year, आपका क्या होगा क्लेम अमाउंट? फर्स्ट यू नीड द प्रीमियम्स एंड देन यू विल मल्टीप्लाई द प्रीमियम्स एंड यू विल गेट द आंसर. आपको क्या दिया हुआ है? आपको नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड दिया हुआ है ना? इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा. तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? प्रीमियम्स निकालेंगे, विच इज व्हाट? जेड आई इंटू एक्स आई बार प्लस वन माइनस जेड आई इंटू क्या? एम, विच इज एक्सपेक्टेशन जो हमने निकाला है. दिस इज अ प्रीमियम अमाउंट दैट यू आर गेटिंग. आपको ईयर सिक्स का सेल्स दिया हुआ है, उसको किसी एक वेक्टर में डालना पड़ेगा बिकॉज इट्स नॉट देयर इन द वेक्टर. तो ये पूरा एक वेक्टर में ले लो. 1920 इन्होंने दिया वेक्टर नहीं, 575 2820 798. ठीक है, ये ले लिया. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट अ आंसर. दिस इज द क्रेडिबिलिटी प्रीमियम को मल्टीप्लाई. सो दिस इज बेसिकली क्रेडिबिलिटी प्रीमियम हर साल का जो हमने प्रीमियम्स निकाले, दैट्स द क्रेडिबिलिटी प्रीमियम सीपी. मल्टीप्लाई इट विद द नंबर ऑफ सेल्स यू विल बी डूइंग इन द अपकमिंग ईयर टू गेट द एक्सपेक्टेड क्लेम पे आउट इन द सिक्स्थ ईयर. तो आप लोग लिखोगे देयरफॉर द एक्सपेक्टेड क्लेम पे आउट इन द सिक्स्थ ईयर इज गिवन बाय, एंड यू जस्ट take these and you are taking all the values in millions. I guess it's in millions. So aapko likhna hoga aise karke million, theek hai na, comma. These are for the all companies. Theek hai, million pounds. या फिर लिख देना, लिख देना ऑल द अबव फिगर्स आर इन मिलियन पाउंड्स. वो नहीं लिखोगे तो 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा अगर आप यूनिट मेंशन नहीं करोगे. क्लियर? एनी डाउट? वेरी इजी सम, बट येट इट टुक अस टाइम बिकॉज हमें जैसे यहां भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया. सो इट्स इम्पोर्टेंट एटलीस्ट एक बार ये वन ऑफ अ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से इजी रहता है बाद में. नेक्स्ट वील मूव टू सेप्टेम्बर 22 का पेपर. ठीक है.